तो हाल ही के समय में भैया भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है जो कि है होंडा के ही अपकमिंग 10 से भी ज्यादा के कुछ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और ये जो अपकमिंग कुछ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कुछ स्कूटर्स और उसके ही साथ साथ कुछ न्यू बाइक्स जो कि लगभग एडवेंचर कैटेगरी वाले ही होने वाला है। और उसके ही साथ साथ एक बच्चों के लिए भी एक ईवी बाइक्स आने वाले हैं। और इन सारे ही चीजों के बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं। तो मैं हूं अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कौन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो भाई अभी हाल ही में ही ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सभी सामने आए हैं अपकमिंग होंडा के ही 10 से भी ज्यादा का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना तो ये भाई टू व्हीलर्स के अंदर अंदर ही होने वाला है जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 2025 के अंदर अंदर, मतलब कि 2023 से लेके 2025 के अंदर अंदर एशिया, यूरोप और उसके ही साथ साथ जापान और जो अमेरिका है, तो इन सारे ही जगह पर ये जो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है तो वो अभी लॉन्च होने वाला है। और ये जो कुछ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है कुछ न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और कुछ न्यू इलेक्ट्रिक बाइक्स। लेकिन वही देखो अभी के रेट में बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि ये जो कुछ न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है ना तो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है कुछ एक हेवी वेट कैरी करने वाला भी स्कूटर, और उसके ही साथ साथ कुछ एक देखने को मिलने वाला है लॉन्ग रेंज देने वाला भी स्कूटर, और उसके ही साथ साथ हमें कुछ ये भी देखने को मिलेगा जो की है स्पोर्टी नेचर वाला स्कूटर। तो देखो भाई अभी के रेट में बहुत सारा कुछ कहा तो मतलब जा ही रहा है ये स्कूटर्स के बारे में, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि ये जो होंडा का जो एक्टिवा ईवी वाला जो स्कूटर है तो वो भी अभी आने वाला है। बाहर के देशों के अंदर क्या नाम से भाई ये लॉन्च होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन इस इंडियन मार्केट के अंदर कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आएगा होंडा कंपनी की तरफ से जो कि एक्टिवा नाम से होने वाला है। और उसके ही साथ ये भी अभी कुछ कहा जा रहा है कि ये जो होंडा का जो यूवो नाम का जो एक स्कूटर है तो वो भी अभी लॉन्च होने वाला है फ्यूचर में कुछ कुछ देश के अंदर। और उसके ही साथ देखो भाई अभी सबसे ज्यादा मजेदार वाला जो एक बात सामने निकल के आया है ना तो वो है कि होंडा कंपनी की तरफ से चारों न्यू व्हीकल्स अभी लॉन्च होने वाला है 2024 से लेकर 2025 के अंदर अंदर, ये जो जापान, यूएसए और ये जो यूरोप है ना तो इन सारे देशों के अंदर है। तो देखो भाई ये जो चारों न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना तो इसके अंदर हमें जो एक मजेदार वाला जो बात देखने को मिला तो वो है कि जो किड्स है तो उनके लिए भी एक बाइक लॉन्च होगा ये जापान और यूएसए और यूरोप के अंदर। और इसके अलावा इन देशों के अंदर दोनों न्यू ऐसे बाइक्स लॉन्च होने वाले है ना जो की देखने के बाद तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो दोनों बाइक्स है तो ये दोनों ही बाइक्स एडवेंचर टूरिंग के लिए मतलब कुछ ऐसा मतलब बनाया गया हो जो की इलेक्ट्रिक वाला है, लेकिन हाँ कुछ फन राइड वाला ही कुछ मतलब देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और उसके ही साथ साथ एक और भी स्कूटर है जो कि इलेक्ट्रिक वाला है लेकिन ये एडवेंचर टाइप एक स्कूटर है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो स्कूटर है तो इसका एक छोटा सा टीजर जो है तो वो हम सभी लोगों के सामने भी आया है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे यही कुछ है मतलब मेन कुछ व्हीकल जो की मेन कुछ देशों के लिए मतलब कुछ स्पेशल देशों के लिए ये जो होगा लॉन्च तो वो ही 2024 से लेकर 2025 के अंदर अंदर। लेकिन भाई हम सभी लोगों के लिए होंडा कंपनी की तरफ से 2022 से लेकर 2024 के अंदर अंदर कुछ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होगा इस इंडियन मार्केट में और साथ ही साथ ग्लोबली भी। और देखो भाई ये जो हम सभी लोगों के लिए जो कुछ न्यू व्हीकल्स अभी आने वाला है होंडा कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक वाला मतलब सभी लोगों के लिए तो वो ज्यादातर ये स्कूटर्स ही हमें देखने को मिलने वाला है। और ये जो स्कूटर्स है और ये जो बाइक्स है और ये जो भी कुछ है इलेक्ट्रिक वाले तो इन सारे ही चीजों के अंदर हमें जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा ना तो वो अभी कुछ कहा यही जा रहा है कि सारा का सारा एलईडी के अंदर अंदर हमें देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ ये जितने भी जो भी कुछ स्कूटर्स अभी आने वाले हैं तो इन सारे ही स्कूटर्स के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है जो सस्पेंशन सेटअप तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलेगा ये कॉइल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स है तो वो ही। लेकिन कुछ कुछ स्कूटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंगल साइड पर ये जो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स है तो यही। और उसके ही साथ साथ ये जितने भी जो भी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है तो इन सारे ही स्कूटर्स के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है ये जो मीटर कंसोल तो ये पूरे ही तरीके से आपको डिजिटल वाला देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ के अंदर तो आपको ये कलरफुल डिस्प्ले के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो भाई अभी एक और भी न्यू चीज सामने आया है जो कि है ये जो होंडा कंपनी की तरफ से ये जो आने वाले दिनों के अंदर कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होने जो वाला है तो उन सारे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है मोटर पीसीयू और ये जो बैटरी का कॉम्बिनेशन में एक जो सिस्टम पूरा का पूरा मतलब कि इन सारे ही चीजों के कॉम्बिनेशन में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो यही अभी बनने वाला है। और बाकी तो देखो भाई ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स जो भी जितने भी कुछ आएगा फ्यूचर में
होंडा कंपनी की तरफ से, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के बैटरीज और स्वेपेबल बैटरी वाला भी सिस्टम। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।